नमस्कार, फटाफट खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए हरियाणा के निवासियों को प्राइवेट सेक्टर जॉब में 75% आरक्षण के निर्णय पर रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार के इस आदेश को फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इसे रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी है और इस पर सरकार को जवाब दिए जाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज से करनाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। इस बीच कैमला गांव में सीएम लंगड़े बाबा मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। सीएम मनोहर लाल का बर्ड्स जमालपुर और पनोरी गांव में अभिनंदन कार्यक्रम है, जिसके बाद सीएम अराईपुरा गांव पहुंचे। सीएम मनोहर लाल एनसीसी एकेडमी और शिव मंदिर निर्माण का निरीक्षण करेंगे और रामनगर में स्मार्ट सिटी लिमिटेड का उद्घाटन करेंगे। करनाल के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम 25,000 एलईडी लगाने की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। 4 फरवरी को सीएम इंद्री का दौरा करेंगे और घंटाकर्ण महावीर मनोहर वेलकम गेट का उद्घाटन करेंगे। यमुनानगर के सरस्वती नदी के उद्गम स्थल आदि बद्री में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत हुई। महोत्सव में हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच, यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता मुख्य रूप से शामिल हुए। महोत्सव में 21 कुंडली यज्ञ होगा, परिक्रमा और आरती भंडारा होगा, जबकि 4 फरवरी को पंजाब यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठी की जाएगी। हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने बताया कि गोष्ठी में युवाओं को विशेष प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिसमें खेल मंत्री संदीप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि हरियाणा हिमाचल के मुख्यमंत्रियों के बीच जो एमओयू साइन हुआ है, उसके तहत 700 करोड़ की लागत से डैम बनेगा और जो पानी इकट्ठा होगा वो सरस्वती नदी में चलेगा। पार्थ गुप्ता ने कहा कि 13 करोड़ की लागत से क्षेत्र में विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा आदि बद्री से रेणुका पर्यटन स्थल के लिए बस सर्विस भी शुरू हुई है। करनाल नगर निगम द्वारा करवाए गए प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे ने शहर के हजारों लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी है। सर्वे के डाटा में भारी गड़बड़ियां मिल रही हैं। वहीं गलतियों को दुरुस्त करवाने के लिए लोगों को निगम कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सर्वे में हुई चूक के बाद सरकारी रिकॉर्ड में संपत्तियों के मालिक और प्रॉपर्टी के साइज और एड्रेस तक बदल गए हैं। निगम कार्यालय में रोजाना 300 से 400 लोग अपनी प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 5,000 से अधिक लोगों ने आपत्तियां दर्ज करवा चुके हैं। नूह उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि भारत सरकार की आईटी पॉलिसी के तहत विभिन्न डेटा प्रोवाइडर को इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लिए आवेदनों पर कार्य किया जा रहा है। कैप्टन शक्ति सिंह ने लघु सचिवालय सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में टेलीकॉम टावर और ओएफसी केबल की परमिशन के लिए मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि जिले में विभिन्न सर्विस प्रोवाइडर द्वारा दिए गए 24 आवेदन लंबित हैं, जिन पर आने वाले 2 हफ्तों में निर्णय ले लिया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,72,000 से ज्यादा नए केस सामने आए, 1,008 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 22 और मरीजों की मौत हो गई, जबकि 5,052 नए संक्रमित पाए गए। झारखंड में कोरोना वायरस के 601 नए मामले सामने आए और 3 लोगों के संक्रमण से मौत हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,359 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,81,103 हो गई। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 6 लोगों की मौत हो गई, इस बीमारी से हुई है।
कर्नाटक में कोविड 19 के 20,505 नए मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 38,44,338 हो गई, जबकि 81 और रोगियों की मौत होने से मृतकों की तादाद 39,137 पर पहुंच गई है। तमिलनाडु में कोविड 19 के 14,013 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 33,75,329 हो गई। कोरोना संक्रमण से 37 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की तादाद 37,636 पर पहुंच गई। जम्मू कश्मीर में कोविड 19 के 2,304 नए मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 4,40,480 हो गई। इस दौरान संक्रमण से 9 और मरीजों की मौत होने से कुल मृतकों की संख्या 4,692 पर पहुंच गई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 3,267 नए केस, 17 मरीज की मौत, एक दिन में 5,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 970 नए केस आए, 4 मरीज की मौत हो गई, एक दिन में 1100 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 307 नए संक्रमित मिले, 1000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी और एक संक्रमित की मौत हो गई। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 81 नए मामले सामने आए, 176 मरीज रिकवर हुए, एक्टिव केस की संख्या 400 के पार हो गई। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 192 नए मामले सामने आए, जो 246 रिकवर हुए, एक्टिव केस की संख्या 1000 के पार हो गई। हिसार में कोरोना का कहर जारी है, पिछले 24 घंटे में 269 नए मामले सामने आए, 246 मरीज रिकवर हुए और एक्टिव केस 1000 के पार। करनाल में कोरोना का कहर जारी है, पिछले 24 घंटों में 90 नए मामले सामने आए, 175 मरीज रिकवर हुए और एक्टिव केस 800 के पार। पंचकुला में कोरोना का कहर जारी है, पिछले 24 घंटे में 158 नए मामले सामने आए, 351 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में 15 से 18 के बच्चों में वैक्सीनेशन के लिए जो उत्साह था वो खत्म होता जा रहा है। दूसरी डोज के लिए बच्चे वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच रहे हैं। टीकाकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली टीमों पर लगातार हो रहे हमले पर उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि कोविड 19 वैक्सीनेशन टीम पर हमला करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ग्राहकों को राहत दी है। बिजली विभाग हर महीने उपभोक्ताओं से बिजली बिल में मीटर किराया नहीं वसूलेगा, बल्कि कनेक्शन सिक्योरिटी से ही मीटर किराया काट लिया जाएगा। पलवल के उपमंडल होडल में दो हिंद केसरियों के बीच आखिरी कुश्ती लड़ी गई। होडल में सती माता की याद में विशाल दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल में हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली के पहलवानों ने भाग लेकर अपने अपने जौहर दिखाए। सोनीपत के मार्टिन ने एक ही दिन पंचिंग और पुशअप में 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लंदन की तरफ से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। रतिया नगर पालिका मुख्यमंत्री के आदेशों को ठेका दिखा रही है। नगर पालिका में पहुंचे कुछ लोगों को कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं मिला, इसको लेकर लोगों ने नगर पालिका पर कई गंभीर आरोप लगाए। लोगों ने आरोप लगाए कि नगरपालिका के अधिकारियों की तरफ से फोटो स्टेट की दुकान से सेटिंग की हुई है, जो मोटा पैसा बटोरकर घंटों में ही एनओसी दिला देते हैं। अंबाला विजिलेंस की टीम ने चीका थाना में औचक छापामारी कर थाना प्रभारी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया।
पूर्व पार्षद प्रतिनिधि ने विजिलेंस टीम को शिकायत दी थी कि एक व्यक्ति ने उसके खिलाफ थाने में शिकायत दी हुई है और उस एवज में थाना प्रभारी उससे रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायतकर्ता ने उसके और थाना प्रभारी के बीच रिश्वत की राशि को लेकर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग बनाई। वहीं थाना प्रभारी की गिरफ्तारी से पहले थाना परिसर में करीब 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। सोना पलवल रोड पर सीएम फ्लाइंग टीम ने डीएसपी के नेतृत्व में बंद पड़े एक ढाबे पर भारत पेट्रोलियम के टैंकर से डीजल निकालते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके पर 1000 लीटर डीजल, 400 लीटर पेट्रोल, 23 कमर्शियल सिलेंडर बरामद किया गया। ढाबा मालिक मौके से फरार था और ढाबा केवल इसी काम के लिए प्रयोग में लाया जा रहा था। चुनाव के दौरान हरियाणा सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, जहां करनाल में यूपी बॉर्डर पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है और अवैध रूप से शराब बेचने पर 150 FIR दर्ज की गई। फतेहाबाद के भट्टे इलाके के बस स्टैंड पर कॉलेज जाने वाले छात्रों ने हंगामा किया। बस का टाइम टेबल बदलने पर छात्रों ने हंगामा किया। जाट धर्मशाला में वादा खिलाफी पर कुरुक्षेत्र में किसान आंदोलनों और खापों ने बैठक की और नई रणनीति तैयार की। खापों ने कहा कि किसान आंदोलन की सभी मांगे सरकार तुरंत लागू करे, वरना 10 दिन बाद दोबारा से दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का काम करेंगे। सिरसा में आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स 58वें दिन भी धरने पर रहे। बरसात और जबरदस्त ठंड के बावजूद महिला कर्मचारी धरने पर डटी रही। आंगनवाड़ी कर्मचारी पिछले करीब 2 माह से अपने सेंटर बंद कर हक की लड़ाई लड़ रही हैं। मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर वर्कर्स धरने पर हैं। फतेहाबाद में किसानों की तर्ज पर आंगनवाड़ी वर्करों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वर्करों का कहना है कि वो लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही है, लेकिन सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। कोरोना से बंद पड़े स्कूलों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने दोबारा स्कूल खुलवाने का अभियान शुरू किया। इस मौके पर मौजूद लोगों ने भारतीय किसान यूनियन का धन्यवाद किया। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि अगर सरकार स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं भेजेगी तो वो अपने स्तर पर चंदा इकट्ठा कर स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। सरकार ने परिवार पहचान पत्र लोगों की सुविधा के लिए शुरुआत करवाई है, लेकिन पहचान पत्र में आय को लेकर लीपापोती हो रही है। वहीं स्कॉलरशिप की तारीख बढ़ाने के लिए भी युवा सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार की तरफ से मिलने वाली सुकून राशि में भी इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, लेकिन विद्यार्थी इनकम सर्टिफिकेट ना बनने के कारण लगातार धक्के खा रहे हैं। महिलाओं को लोन देने और बेटियों की शादी में दहेज का सामान दिलवाने के नाम पर 4 लाख से ज्यादा की ठगी के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। डीएसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। औरतों को बहकाकर ठगी की गई है। साक्ष्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पलवल में रेलवे कॉलोनी स्थित घर में घुसकर 3 नकाबपोश बदमाशों द्वारा लूटपाट का विरोध करने पर 61 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने घर में मौजूद महिला सहित 3 बच्चों के हाथ पैर और मुंह पर भी टेप बांध दी और अलमारी में रखे हुए सोने चांदी, 2 फोन, एटीएम कार्ड और नकदी को लूटकर फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया और मामले की जांच में जुट गई। बल्लभगढ़ में गौ तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उचाना में रजबाहा रोड पर एक युवक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
पुलिस ने नरवाना पटियाला रोड पर चल रहे सपा सेंटर पर रेड कर तीन लड़कियों और दो लड़कों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन सब के खिलाफ वैश्यवृत्ति अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस स्पा सेंटर की आड़ में वैश्यवृत्ति का धंधा चल रहा था। रोहतक की सुनारिया जेल में बंद अपने पति से मिलने आई महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में एक होटल में शव बरामद हुआ। होटल मालिक की शिकायत पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, शव की जांच पड़ताल की। पुलिस के अनुसार महिला की मौत जहर खाने से हुई। बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 आशियाना के युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जहां पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक के चलते युवक पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। आरोपी युवक ने पत्नी से फोन करवाकर युवक को अपने घर बुलाया, हाथ और पैर में कुल्हाड़ी से हमला किया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। गुरुग्राम की नई बस्ती में देर रात मकान में सो रहे परिवार पर शराबियों ने पथराव किया, जिसमें मकान मालिक और उसका परिवार बच गए। शराबियों ने गली में खड़ी बाइक और कार में भी तोड़फोड़ की। फिलहाल पथराव की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पृथला के चंदावली गांव में सरपंच अंजू यादव के पिता पर सोते हुए 5 से 7 हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, सरपंच के पिता के साथ काम कर रहे नौकर और माली के साथ भी जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस जांच की छुट्टी। पंचकुला में पुलिस कर्मियों पर तलवार से हमला हुआ। दरअसल पुलिस दो गुटों में हुए जमीन विवाद को सुलझाने के लिए गई थी, जहां शरारती तत्वों ने उन पर हमला कर दिया। फरीदाबाद के सेक्टर 58 में ट्रांसपोर्टर कार्यालय में ही काम करने वाले व्यक्ति की उसी के केबिन में डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी के साथ केबिन भी जल चुका था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया, जबकि फॉरेंसिक टीम ने वहां से सबूत जुटाना शुरू कर दिए। सोनीपत में हरियाणा रोडवेज की बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में सेना के जवान और पुलिस हेड कांस्टेबल की मौत हो गई। हादसे में घायल सब इंस्पेक्टर और एसपीओ को अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मी जांच के लिए हसनपुर गांव जा रहे थे। हांसी के नजदीक दयाल सिंह कॉलोनी एक तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। हादसे में गाड़ी सवार दो दोस्तों की मौके पर मौत हो गई। एक्सीडेंट से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, गाड़ी के दरवाजे तोड़कर दोनों युवकों को बाहर निकाला। फरीदाबाद में बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को घरों तक सीमित रहने के लिए मजबूर कर दिया। जगह जगह अलाव, लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बुधवार देर रात से चली तेज हवाओं से मौसम का मिजाज बदल गया। एक बार फिर ठंड ने दस्तक दी है, जहां आज सुबह कई इलाकों में बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया, संभावना जताई कि आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक हवाएं 30 से 40 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगी, ऐसा शुक्रवार तक रह सकता है, लेकिन शनिवार को वापस धूप खिलेगी। जनवरी महीने में हुई बेमौसम बरसात के बाद अब फरवरी महीने में भी दो दिनों तक झमाझम बारिश लोगों को झेलनी पड़ सकती है। आज और कल तेज हवाओं के साथ बरसात के आसार बने हुए हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान और पंजाब के ऊपर एक नया चक्रवात पैदा हो रहा है, जिससे गरज के साथ कई क्षेत्रों में हल्की ओलावृष्टि की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान है। कृषि विभाग ने किसानों को एडवाइजरी जारी की है, किसान सिंचाई और स्प्रे न करें। किसान खेतों में पानी को जमा ना होने दें, सरसों की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। सोनीपत जिले में रबी सीजन के अंतर्गत 1,45,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बिजाई की गई है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद अब शहरी क्षेत्रों में भी सर्दी ने अपना कहर बरपा रखा है। गुरुग्राम में सुबह से ही तेज हवा चल रही है और टेम्परेचर में भी काफी गिरावट आई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। शिमला शहर, ऊपरी शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मनाली में भी ताजा हिमपात हुआ है, वहीं निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मंडी, कांगड़ा, सोलन, चंबा, कुल्लू समेत तमाम जिलों में रात से ही बारिश जारी है।
मौसम विभाग ने 6 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है, येलो अलर्ट जारी किया है। लाहौल स्पीति पुलिस के अनुसार बर्फबारी के कारण ले मनाली हाईवे बंद है। वही सड़क पर लगभग 1 फीट बर्फ पड़ी है, इसी दौरान किसी भी वाहन को सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं है। चार फरवरी को पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने की संभावना है। 5 और 6 फरवरी को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में मौसम साफ रहेगा। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 6 फरवरी तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है।